Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Rit. I hope you all are doing well. And evening time है अभी और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय और एक कप चाय के साथ ना आज आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है, बने रहिए। यहाँ पे ना मुंबई में 3 दिन से बहुत हैवी रेन हो रही थी, अब जाके 3 दिन के बाद धूप खिला है। एनीवेज, जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी आप लोगों से, उसमें जो फर्स्ट है वो ये है कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं एक रिसेंटली नया चैनल मैंने ओपन किया है, उसमें मैंने लाल साग की रेसिपी और बेनिफिट्स शेयर किया है। उसका लिंक मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ये जानने के बाद तुरंत मेरे चैनल पे, न्यू चैनल पे जिन्होंने विजिट किया, मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका नाम बताना चाहूँगी। उसमें पहला नाम जो है मरियम्स ब्लॉग इन दुबई। मरियम मैम, शी इज रियली सो स्वीट कि मतलब जैसे उनको पता चला, उन्होंने मेरे फैशन एंड फिनरी पे कमेंट किया कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फ्री हूँ कि अभी तुम्हारे नए चैनल पे आती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना ये पढ़ के, और उन्होंने थोड़ी देर, मतलब मैंने ये जो मैसेज, ये जो कमेंट था ये मैंने बाद में पढ़ा, उसके पहले ही उन्होंने ऑलरेडी विजिट किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और दोनों, उनका जो दोनों चैनल है, एक रेसिपी चैनल है मरियम्स रेसिपी और एक ब्लॉगिंग चैनल, दोनों में से मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया। मरियम आपो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, और आपके लिए मतलब बहुत दुआएं मेरी तरफ से, हमेशा खुश रहो। और दूसरा नाम है फरिया बलोच फ्रॉम पाकिस्तान। शी इज़ ऑल्सो सो स्वीट कि उन्होंने भी तुरंत, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था वो देख के, उन्होंने भी ये सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। और बंगाली ब्लॉग विच श्रावंती, शी ऑल्सो विजिटेड, एंड अनदर इज़ इंडियन मॉम माला सिंह। इन लोगों ने भी मेरा चैनल विजिट किया, आई एम नॉट श्योर दे हैव सब्सक्राइब और नॉट, व्हाटएवर, विजिट किया, देखा, इतने प्यारे प्यारे स्वीट कॉमेंट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मरियम आपों के लिए और फरिया जी के लिए जितना प्यार दूँ ना उतना कम है सच में, क्योंकि जब हम कोई नया चैनल ओपन करते हैं उसमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स से भी नहीं मिलते हैं, जो हमारे पहचान के लोग होते हैं ना उनसे भी नहीं मिलता। अगर हम उनको लिंक शेयर करते हैं या उनको बोलते हैं चैनल का नाम देके कि हमने न्यू ओपन किया है, ओके बोल देते हैं, ओके हर बार ओके बोलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा लगता है उनके जेब से 500,000 रुपये शायद खर्चा हो जाएगा, इतनी कंजूसी करते, मतलब दिल बड़ा नहीं रखते। लेकिन हाँ, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग टिके हुए हैं जिसके वजह से दुनिया चल रही है, ये आप लोगों ने साबित किया। सच में मुझे, मैं इतना खुश हूँ ना, मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और दूसरी एक बात है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो हाँ लास्ट वीक शायद मैं ना देख रही थी कि कोई यूट्यूबर है जो कि थोड़ा ग्रोन अप चैनल है उनका, हमारी तरह न्यू कमर नहीं है उनका, मतलब फेमस चैनल है शायद, ब्यूटी कुछ ऐसा चैनल है, उनका चैनल हैक हुआ था, वो मैं देख रही थी, किसी ने शेयर किया था वो बात। तो सच में जब अपना कोई अकाउंट हैक होता है ना, वो कितनी टेंशन की बात होती है। मैं सोच रही थी कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट लास्ट ईयर हैक हुआ था वो बात मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। मतलब क्या होता है, यूट्यूब के पीछे तो हम इतना मेहनत करते हैं और बाद में जब मोनेटाइज हो जाता है, हम अच्छे से इसमें से हमारा, मतलब समझ रहे हो, चैनल ग्रो हो जाता है, उसके बाद अगर वो हैक हो तो इंसान तो मतलब पागल हो जाने लायक हालत होती है। जबकि मेरा तो फेसबुक का अकाउंट हैक होना, उसमें क्या हुआ था मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊँ, कोई बंदा, कोई लड़का सा था, उसने पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोलता है कि मॉडलिंग का प्रोजेक्ट है आप करोगे, तो मैंने उसको बोला क्या प्रोजेक्ट है, पहले मुझे डिटेल दो, मैं ऐसे तो हाँ नहीं कर सकती ना, तो मुझे सब बता रहा है कि ये है मैगजीन शूट है, ये है वो है, आप अपने पिक्चर्स भेजे। तो मैंने बोला कि पहली बात तो ये बताओ कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि मेरा नंबर जो है, मेरा व्हाट्सएप, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो बहुत
कॉन्फिडेंशियल है, मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं करती, आपको कहाँ से मिला? तो उसने क्या बोला, आपने दिया था? मैंने बोला मैंने कब दिया, कहाँ पे दिया, आप कौन हो ये तो बताओ। तो बोला फेसबुक पे दिया था। मैं बोली मैं फेसबुक वालों को कभी अपना नंबर नहीं देती हूँ, कब दिया था आप सब? जहाँ पे आपके साथ चैटिंग हुई थी आप मुझे वो स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेजो जहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया था। तो उसने ना बोला नहीं वो मेरा अलग अकाउंट था, वो उसमें अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, वो अकाउंट तो बंद हो चुका है वो जिस अकाउंट पे आपने दिया था, लेकिन चैटिंग आपसे हुई थी वो मैं दिखा सकता हूँ। तो उसने मुझे ना चैटिंग का भेजा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मैंने बोला ओके ओके एनीवेज। लेकिन उसने वो नहीं दिखाया कि मैंने उसको नंबर दिया था। मैंने कभी किसी को नंबर, मैं फेसबुक वालों को कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो वो प्रूफ नहीं कर पाया कि मैंने उसको नंबर दिया। मैंने बोला कि आप मैं इस तरह काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो भी दिल्ली जाना है बोलता है, और उसका जो नंबर था ना वो अमेरिका का नंबर था, टोटल जो फ़ोन नंबर था अमेरिका का नंबर था। अब वो क्या करता है, मुझे एक लिंक भेजता है कि सॉरी लिंक नहीं, उसका पेज फेसबुक का जो पेज है वो मुझे शेयर करता है, बोलता है इसको आप लाइक करो। अब ये तो कोई भी करता है ना, जिसका भी पेज रहता है वो लाइक करने के लिए बोलता है। मैं बेवकूफ़, मुझे क्या पता था कि लाइक करने से भी अपना अकाउंट हैक हो सकता है। मैंने कर दिया, मैंने बोला लाइक किसी को भी चाहिए होता है, जैसे हम भी बोलते हैं कि हम मेरी वीडियो लाइक करना शेयर करना। अब जैसे मैंने उसका वो जो फेसबुक का पेज उसने मुझे शेयर किया था उसको मैंने लाइक किया, वो हो मेरा अकाउंट हो गया हैक्ड। मुझे पता नहीं चला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और मेरे अकाउंट से वो बंदा मेरे अकाउंट में जितनी भी गर्ल्स है ना फ्रेंड लिस्ट में, जितनी लड़कियां हैं सबको रीत बन के मैसेज कर रहा है कि हाय मैं रीत, मैं आपको मॉडलिंग में काम दिलाऊंगा, अब अपना नंबर शेयर करो। उसका क्या इंटेंशन था, वो सबका नंबर लेगा, सबके साथ व्हाट्सएप पर चैट करेगा, और वही अपना फेसबुक का जो पेज है वो उसको शेयर करेगा, और वो उसको लाइक करने बोलेगा, और जैसे वो लाइक करती है लड़की तो उसका अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट से भी वही सेम काम वो करेगा। उससे उसका क्या बेनिफिट है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कर रहा था, और मुझे पता नहीं कि मेरे मैसेंजर से मैं मतलब रीत मैसेज कर रही है लड़कियों को कि मैं तुम लोगों को मॉडलिंग का काम दूंगी, तुम अपना नंबर शेयर करो। कई लड़कियों ने नंबर दिया भी, कई लोग हैं जो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो वो लोग सोच रहे हैं यार रीत क्यों नंबर मांग रही है, रीत के पास तो ऑलरेडी नंबर है, हम लोग साथ में काम करते हैं, जैसे कलीग्स वलीग्स ये लोग हैं मेरे कलीग्स हैं काम के जो फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ, मुझे ना कैसे तो पता चल गया था कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है, कैसे पता चला था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैंने ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा भी अकाउंट तो हैक हो गया है तो मैं क्या करूँ। अब मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरे यहाँ से आप लोगों को मैसेज जा रहा है, मैं किसी को मैसेज सामने से करती नहीं हूँ, मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ, और मैं मेरे मॉडलिंग फील्ड में खुद काम करती हूँ, दूसरों को काम नहीं दिलाती हूँ। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आप लोगों को मैसेज नहीं कर रही हूँ, मेरा अकाउंट हैक हुआ है और कोई मेरे मैसेंजर से आप लोगों को मैसेज कर रहा है। ये पढ़ के एक लड़की ने मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट किया, उसने बोला, और वो निकली मेरी रिश्तेदार, मेरी रिश्तेदार मतलब दूर की, मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी ननद है, उसने बोला कि मुझे तो मैसेज बहुत सारा है, मैं तो ऑलरेडी आपसे बात करती हूँ व्हाट्सएप पे। मैंने बोला क्या, बोलते हाँ, और आपका जो व्हाट्सएप का डीपी है उसने ना पूरा वो चैटिंग शेयर किया कि रीत के साथ वो बात कर रही, जबकि वो मेरे साथ बात नहीं करती, मुझे नहीं पता है वो किससे बात कर रही थी, कोई रीत बन के उससे बात कर रहा। अब उसने वो पूरा मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया मैसेंजर पे, और जब उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया तो व्हाट्सएप का वो जो डिस्प्ले पिक्चर है जिसमें फ़ोटो था वो मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गई कि ये तो वही बंदा है जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट करता है और बोलता है कि मुझे मतलब मैगजीन शूट के लिए बोल रहा था वही, क्योंकि डीपी वही है, सेम टू सेम डीपी। तो मैंने बोला ये बंदा तुमसे बात करता है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे डीपी तुमको दिखाऊँ क्या, बोल के मैंने मेरा स्क्रीनशॉट, मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, मेरे डिस्प्ले पिक्चर में हमेशा मेरी ही तस्वीर होती है, कोई आया तेरा नहीं, और वो जो
फोटो था उस पे, वो कुछ हाथ में टैटू बना हुआ इतने पोर्शन का फोटो था, वो बंदे का, वो जो मेरे साथ चैट करता था वो फोटो, और इससे जो चैट करता है रीत बन के सेम डीपी। तो मैं समझ गई कि बंदा पकड़ा गया। अब मैंने इसको खूब सुनाया, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया और फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो मेरा ऑलरेडी हैक हो चुका है वो उसका काम जारी है, ब्लॉक करने के बाद, बहुत सुनाने के बाद, बेशर्म उसके बाद भी लड़कियों को मेरे रीत बन के नंबर मांगते जा रहा है। और मैं जैसे मैसेंजर खोलूँ मैं देख रही हूँ लाइन से मेरे तरफ से मैसेज कि अपना नंबर दो, मेरे लिए आपके लिए मॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, मैं आपको काम दिलाऊंगी, इस तरह का। मैं इतना फेडअप हो गई। फिर मुझे एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है कोलकाता में रहता है अभिजीत करके, उसने मुझे बोला एक काम करो रीत, तुम है ना अपना ये चेंज कर दो, जो पासवर्ड है वो चेंज कर दो। पासवर्ड चेंज किया, सिक्योरिटी में जाके मैंने बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या किया था, उसके बाद जाके आई एम सेफ नाउ फ्रॉम। तो ये सब हरकतें ना हमारे साथ होती रहती हैं, तो बचना बहुत मुश्किल है। पता नहीं हैकर्स को क्या मिलता है बहुत। अब मैं ये सोचती हूँ कि कल को हम भी जाके, हमारा चैनल भी ग्रो ना अप हो जाएगा, तो फिर कितना हमें एक हमेशा सा डर रहेगा। ये सब जो देख रही हूँ ना कि बस ऊपर वाला बचा ऐसे हैकर से, हर किसी को क्या क्या होता है ना इस दुनिया में। मेरे सामने ना चार बहुत ज़्यादा पके हुए केले रखे हुए हैं। मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा पक जाते हैं जो केले, मुझे खाना पसंद नहीं होता है। मेरी मम्मी ने इसके बहुत मस्त स्वीट स्वीट पकोड़े बनाती है। माँ पकोड़ा बना बे, मम्मी बनाएगी, मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर करती हूँ। ये पकोड़े ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब कहते हैं ना ऐसे पकोड़े बच्चों को पसंद है, ऐसे ये बनाइए बच्चों को पसंद है। यार इस मामले में ना ये केले वाले पकोड़े खाने के मामले में मैं अभी तक बची रह गई हूँ। आई होप आप लोग ज़रा देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत यम लगता है खाने में। आप लोग देख लीजिए, घर में बना के खाइएगा। तो अब हम बनाएंगे बनाना फ्रिटर्स। अभी बड़े बोल के अंदर फोर बनानास पिल ऑफ करके, एक एक करके अब इसको मैश करना है मुझे। एक फॉक ले लिया मैंने और अच्छे से सारे बनानास को मैश कर लूँगी। और अब मैश्ड बनाना के अंदर एक बड़े स्पून से व्हीट फ्लोर मिक्स करके जाऊँगी। फिर ये दूसरा स्पून, ये मिक्स करने के बाद फिर थर्ड स्पून मिक्स करूँगी। तीन बार मैंने गेहूँ का आटा लिया है, ये थर्ड स्पून। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा पानी मिक्स कर लूँगी, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा और पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा और पानी। और अब मुझे नेक्स्ट इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, फ्यू पिंचेस ऑफ बेकिंग सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पकोड़े को फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनाना है। नेक्स्ट ग्रैनुलेटेड शुगर, अब चाहो तो पाउडर शुगर भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे भी शुगर को मिक्स होने के बाद में डिजॉल्व तो होना ही है, तो ग्रैनुलेटेड शुगर चलेगा। इसको ना फेंटने के लिए बेस्ट है हाथ की उंगलियाँ। हाथ अगर साफ़ हो, धुला हुआ हो, तो उंगलियों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि रसोई घर का नाम आया है रसवती से, और रसवती उसे कहा जाता है कि जो खाना बनाती है, और रसवती इसलिए कहा जाता है क्योंकि रसवती के हाथ जो उंगलियाँ है खाना बनाती है, उंगलियों का इस्तेमाल कर दिया, हाथ का इस्तेमाल करते सारे उंगलियों में स्वाद, चाहे तीखा हो, मीठा हो, कड़वा हो, नमकीन हो, सारी जो स्वाद है ये पांच उंगलियों में हुआ करता है। इसके लिए खाना बनाने वाली को रसवती, और रसवती के नाम से रसोई घर का नाम आया है। इसके लिए हम अगर खाना बनाने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करें तो खाना और ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये तो हमें चैनल पर प्रेजेंट करना है, चीज़ों को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कभी फोक का, कभी हम स्पून का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब ये रेडी हो गया है।
अब इसमें लास्ट और फाइनल जो जाने वाला है हाफ टेबल स्पून सौंफ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको ऐसे ढक के रख देना है। सौंफ को मिक्स करने के बाद आधा घंटा ढक के रख देना है। उसके बाद गर्मा गर्म रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है बनाना फ्रिटर्स को, और जैसे बन जाते हैं फिर निकाल के खाने का मज़ा लेना है। यार मैं नहीं वेट कर सकती हूँ कि सारी के सारी कब बने और फिर मैं टेस्ट करूँ, मुझे तो टेस्ट करना है। एकदम परफेक्ट मिठास, जितना शुगर डाला था एकदम परफेक्ट है। आप लोग जरूर बनाएं, एंजॉय करें। और मैं हाँ एक बात, फेसबुक के बारे में आज मैं बोल रही थी, न्यूज़ में जी न्यूज़ पर भी वही बात, पता नहीं क्या क्या अभी जस्ट चालू किया, लेकिन फेसबुक पेज के बारे में ही बातें हो रही है जी न्यूज़ पर फेसबुक। एनीवेज मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल।